Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, good evening. अभी शाम के बज रहे हैं 5 और ये आज का vlog बहुत ज़्यादा ही लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अपने काम की वजह से कुछ थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए ब्लॉग भी बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज, बहुत टाइम के बाद हमारा एक फ्रेंड हमसे मिलने आ रहा है, विक्रम सोनार करके, सो उससे भी मिलेंगे। और एक हम कोटद्वार से भी हमारा एक फ्रेंड आया है, सो आज फ्रेंड लोग से मिलते और चिल करते, उन लोग से मिलेंगे। छुट्टी लिया है तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। सो उन लोगों के पास जा रहा हूँ, वो आया है बाहर गली पर, सो उन लोग के पास जाएंगे, उन लोग से मिलेंगे और देखते हैं कि आज का किधर जाने घूमने को मिला। घूमने तो जाएंगे, सो वही चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। फाइनली गाइस, जिसके बारे में बताया था मेरा दोस्त, 2 साल के बाद इससे मिल रहा हूँ। सो ये रहा विक्रम सुनार। ये 2015 में हम होटल लाइन में हम दोनों साथ में काम करते थे, बट अभी कुछ टाइम से अलग अलग हो गए, इसका होटल चेंज हो गया, मेरा होटल चेंज हो गया। सो आज इसके साथ ही हम घूमने जाने वाले हैं। बोलो भाई, मेरे से मिलके कैसा लग रहा ब्लॉगर से? बढ़िया भाई, एकदम एक नंबर। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटा दबाओ जल्दी। बिल्कुल, क्यों मेरी वीडियो घंटा भी मिस ना कर पाए। सो चलते भाई के साथ। भाई गाड़ी लेके आया आज, नसीब देखो, हैदराबाद में पैदल घूमने वाला बंदा स्कूटी में घूम रहा है। सो भाई चलते और देखते क्या होता है आज। फाइनली गाइस, मिल चुके हैं हम लोग नटराज भोले इन द हाउस। सो भाई, सो गाइस, नटराज भोले सब मिल चुके हैं हैदराबाद सिटी में। सो आज देखेंगे क्या होता है चिलविल। सो भोले, कैसा लगा हैदराबाद में आके? बहुत अच्छा लगा मुझे हैदराबाद में आके, और हमारा पुराना दोस्त भी आया है यहाँ पर। मुझे पता नहीं था कि कौन आने वाला है। ये तो गोवा का खास दोस्त है भाई। सो एक दो साल के बाद मिल रहे गाइस हम लोग, और कोटद्वार से जो ये ब्लॉग देख रहा होगा उन लोग को पता होगा हम लोग कोटद्वार भी आए थे साथ में। सो वही थोड़ा बात करते फिर आप लोग से। गाइस, नटराज भोले इन द हैदराबाद हाउस। सो कैसा लग रहा आपको हैदराबाद सिटी में आके? हैदराबाद सिटी में काफ़ी शांति है, सब कुछ है, बट शांति भी है। पर कैसा लगता है इधर, चिल लाइफ कैसी है इधर की? कोटद्वार से तो काफ़ी डेवलप लाइफ है, और मतलब दिल्ली और बॉम्बे के अगर देखा जाए तो उसके बीच में ये आता है। सो जैसे हम लोग कोटद्वार में थे, कोटद्वार में कैसे कैसे लाइफ चल रही थी, कैसा रहता है वहाँ पर, इनकम कैसा है, मतलब कैसा कैसा फ्यूचर है उधर का, कोटद्वार का भी? कोटद्वार में मैं अभी पिछले 1 साल से नहीं हूँ, बट फिर भी अगर मैंने कुछ लोगों से बात की होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर इस वक्त इलेक्शन चल रहा है और वोट नहीं दिया तुमने? मेरे को तो बोला था वोट के लिए, बट मैं नहीं दे पाया। मैं तो अभी बाहर ही हूँ, तो आपको पता ही है। सो आपको कैसा लग रहा है विक्रम सुनार इतने सालों के बाद? मेरे तो वैसी लग रहा है जैसा है जिंदगी। चलो, इसको तो वही सीन है। सो कुछ कहना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर के लिए? आप सब्सक्राइबर का यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई को सपोर्ट करो और अपने छोटे भाई को भी सपोर्ट करो। सो हम लोग का ट्रैक के बारे में कुछ करेंगे बाद, लीक या बाद में करेंगे? ट्रैक के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आने वाला एक ट्रैक है, अच्छा है, देखिए काम चल रहा है। ट्रैक बन चुका है, बट उसमें हम दोनों का कोलैब है, 2 से 3 लोगों का कोलैब है। वो अभी तक ट्रैक तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम हमेशा भारी रहते थे, इसलिए अभी तक सॉन्ग बन नहीं पाया, इसलिए देखते हैं कि इस साल अगर वो ट्रैक बन जाता है तो हम अपलोड कर देंगे। सो भाई, सो गाइस, जल्दी से हम अपना ट्रैक निकालने वाले। सो हमने उत्तराखंड के ऊपर हमारी लाइफ से रिलेटेड रैप बना रहे। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अरे कहना क्या चाहते हैं? नटराज भाई का टैटू भी दिखा दो फिर। सो ये हमारे नटराज भोले का टैटू है, नटराज इन द हाउस बेबी। सो चलते हैं भाई, आराम से चलाना भाई। सो हमारे राइडर हमारे साथ है। अभी हम लोग का इवनिंग हो रहा है और बंदे भी 3 थे, नहीं तो हम लोग ने बाहर भी जाना था घूमने के लिए। आई होप नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग जाए घूमने के लिए, हैदराबाद एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, क्या बोलते हैं? सो भाई अभी चलते हैं रूम में, वाइट कपड़े वपड़े पहने, थोड़ा हम बिल्कुल रेडी होके नहीं आए, तो सॉरी गाइस। गाइस ये है नटराज भोले का घर की तरफ। क्या कच्चे का वीडियो ले लिया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नटराज भोले के रूम पे, जो उसको होटल से प्रोवाइड मिला है, मतलब होटल से स्टाफ रूम मिला है। सो पीछे से वो भी आ रहा है। सो जाते हैं इनके रूम में, देखते हैं इनका रूम कैसा है क्या है। सो कोटद्वार से भी जो ये ब्लॉग देख रहे होंगे भाई, प्लीज़ नटराज भोले के लिए कमेंट डाउन प्लीज़ यार, और ट्रैक भी जल्दी जल्दी हम करेंगे, हमें टाइम जैसे मिलता है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। सो गाइस, ये रूम का रास्ता देखो यार, कैसे रूम लिया है भाई, कतई जहर रूम लिया है इसमें, देख रहे हो इतनी पतली गली है, आदमी पार हो गए यहाँ से।
निकल चुके हैं रूम से, रूम का एक बार मैंने व्यू आपको दे दिया है, थोड़ा सा व्यू। अभी चल रहे हैं हम तीनों के तीनों दोस्त लोग, ये होटल जाएगा, अपन को थोड़ा बाहर कुछ काम है, अपन बाहर कुछ काम करके फिर आपसे घर में मिलते हैं। दो ढाई घंटा लगता है पूरा वीडियो, हाँ दो ढाई घंटा लगता है, दो ढाई घंटे में हो जाता है। बंदू के पास यो हरि सिंह